टेबल लेना है एकड़ नाम का, और उसके अंदर ये वाली वैल्यू सेव करनी है। तो जब हमने ये वैल्यू देखी, ये है 43,560, मतलब कि ये नॉन डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बगैर है, तो हम इंटीजर डेटा टाइप के साथ जा सकते हैं। ऐसे ही है। यस मैम। तो आपका एक वेरिएबल बनेगा इंट टाइप का, उसका नाम जो है आप एकड़ रख लो। एकड़ नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू उसने हमें बताई 43,560, 43,560, ठीक है। फिर उसने आपसे कहा कि एक प्रोग्राम को, तो एक कहता है कि तुम्हारे पास ना एक ट्रैक्ट है इतने रकबे का, ठीक है। आपने बताना है इस इतने रकबे के अंदर कितने एकर्स हैं। ओके, तो जो गिवन है वो क्या है, ट्रैक्ट, ये भी कहीं पे सेव करना है। इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, नाम और टोटल डेटा टाइप कैप इंट डाटा इंट टाइप कैप होगा, और ट्रैक्ट इसकी डेटा टाइप, इसका नाम होगा इंट डेटा टाइप है, ट्रैक्ट इसका नाम है, और इसकी वैल्यू जो उसने हमें दी हुई है, एंड द वैल्यू इज 389767, 389767। तो ये आपने ट्रैक भी दे दिया। कैलकुलेशन या लॉजिक क्या एक्सक्यूज मी है? मैम, जी बेटे, मैम मुझे थोड़ी एमरजेंसी है हर लेक्चर के एंड पर होती तो है। जाओ जाओ, शाबाश। जी, मैं क्लास लीव कर दूं, मुझे एमरजेंसी है। जी जाइए। तो आपको उसने लॉजिक भी बता दिया, हिंट भी दे दिया कि आपने डिवाइड करना है साइज ऑफ ट्रैक्ट को किसके ऊपर, साइज ऑफ 1 एकड़ पर। जैसे हमने अभी लॉजिक के अंदर बात की कि ये टोटल हमारे पास ट्रैक्ट है, इसको आपने डिवाइड कर देना है एकर्स में। तो लॉजिक आपके पास आ गई, हमने बस उसके वेरिएबल का नाम जो है खुद डिसाइड करना है। तो डिवीजन के बाद जो आंसर है हो सकता है पॉइंट में आए, है ना। यस मैम, तो इसलिए डबल हम इसकी डेटा इसकी टाइप डेटा डबल रख लेंगे, डबल, और इसका वेरिएबल का नाम जो है हम रख लेते हैं टोटल एकर्स, यानी इस वाले पूरे ट्रैक्ट के अंदर टोटल एकर्स कितने होंगे वो हम सेव कर लेते हैं, डबल टोटल एकर्स। अब उसने कहा कि हाँ, इसका मतलब लॉजिक भी यही बनती है कि बड़े वाले यूनिट को डिवाइड कर देते हैं छोटे वाले यूनिट के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा। हमने ट्रैक्ट को डिवाइड कर दिया एकर्स में, ठीक है। तो इसके बाद हमें मिल जाएगा, जैसे अभी हमारे इस वाली विजुअल में हमें पता चला कि टोटल 4 या 1, 2, 3, 4, हाँ 4 ट्रैक्ट्स हैं भाई टोटल। तो इसी तरह से हमें उसका भी कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। तो लॉजिक जो है ना, अब ये बिल्ड करना जो है हम लोगों के ऊपर है, हमने स्टेटमेंट को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उसमें वेरिएबल का नाम लेना है, वेरिएबल का डाटा टाइप लेना है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन? ओके मैम, ठीक है। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एम सारे सिस्टम का एम। स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो कहेगा कि सिंबल डज नॉट फाइंड, कुछ इस तरह से, है ना। चलो, मैसेज क्या देता है, कहता है जी 1 एकड़ किसके बराबर है। मैं लिखती हूँ 1 एकड़ की ये वैल्यू है, और उस वेरिएबल का जो है नाम मैं कंकेटिनेट कर देती हूँ, ठीक है। अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, फिर हमने एक ट्रैक्ट की वैल्यू या टोटल ट्रैक्ट की वैल्यू बतानी है, तो आवर ट्रैक्ट इज ऐड कर दिया मैंने, कंकेटिनेट कर दिया उस वेरिएबल को। अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ ना कि साथ में यूनिट भी नजर आए, जैसे देखो इसमें उसके क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर था 43,560 के बाद स्क्वायर फीट भी था, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, कोई है आप लोग के जहन में आइडिया? आप कंकेटिनेट मैम कर एक दो, शाबाश, स्ट्रिंग ऐड कर लेंगे, उसमें हम स्क्वायर फीट लिखते हैं। बिल्कुल शाबाश, तो स्क्वेयर फीट लिख देते हैं। मैं अब इसको शॉर्ट करके लिख रही हूँ, तो हो सकता है बाकी बच्चे जो है इसको प्रॉपर बड़ा ही करके लिखें। तो इस तरह से आप लोग के जो है ना प्रोग्राम्स एक दूसरे से भी इस तरह से वेरी करते हैं। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन, मेरा ख्याल है बेटर हो गई है, मोर रीडेबल, मोर अप्रोप्रिएट मैसेज हो गया है ना। इसका यूनिट भी आएगा, इसके मैसेज भी आएंगे एंड ऑल दैट। तो कहता है कि टोटल एकर्स इस बार जो है वो मैं बताती हूँ, उसके लिए मैं मैसेज लिखती हूँ, टोटल एकर्स इन आवर ट्रैक्ट, ठीक है। मैम एकर्स के ACES।
जी उसमें वैसे ना एरर नहीं आएगा, लेकिन चलो ठीक है मैं स्पेलिंग ठीक कर लेती हूँ। ये वाला कंसेप्ट तो है ना, डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं कुछ उल्टा सीधा करती भी हूँ तो मुझे कुछ नहीं कहता। चले शाबाश। तो मैंने मैसेज कहा टोटल एकर्स इन आवर ट्रैक्ट, अब इक्वल का साइन है तो मैं तीनों में इक्वल का साइन लगा देती हूँ। और मेरा ख्याल है इतना, यहाँ पे कुछ अपडेट करना है बच्चों? टोटल आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है ना, तो टोटल एरिया बेसिकली आपने प्रिंट कराना है, तो उस वाले वेरिएबल का नाम यहाँ पे मस्ट कंकैटिनेट करना है। लेकिन मैम उसका नाम तो ऊपर टोटल एकर्स है। शाबाश, तो यही वो मिस्टेक है जो मैं चाह रही थी आप लोग पकड़ो, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चे जो है ना वो पैसिव हो चुके हैं। तो ये रहा हमारे वेरिएबल का एग्जैक्ट नाम टोटल एकर्स, ठीक है? तो यहाँ पर हमने बेसिकली इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करानी है। प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, यस मैम। हमने उसके वर्ड में दी हुई प्रॉब्लम को कन्वर्ट, भाई माइक ऑफ कर दिया करो, हमने उसके वर्ड्स में दी हुई प्रॉब्लम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। उसने हमें नहीं कहा था कि इंट टाइप का इस नाम का वेरिएबल लेना, कि हमने खुद से उसके जिंदा है या नहीं, आप लोग इसके अंदर ग्रिप होनी चाहिए। तो इसको कंप्लीट कर लिया, आवाज नहीं आ रही, कॉपी कर रहे हो तो ओके। मैं कह रही हूँ अगर आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया या इसको साथ साथ कर रहे हो तो कंपाइल करके देखें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो CMD में अगेन, मेरे पास CMD खुली हुई है, मैं लिखती हूँ जावा C और इसके बाद हमारी फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या था? लैंड्स, लैंड कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस था या कैलकुलेशन? कैलकुलेशन डॉट जावा। तो कोई एरर नहीं है, अब इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट भी देख लेते हैं, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है सिवाय एक चीज के, मतलब ये जीरो के साथ स्पेस होनी चाहिए थी, उसके थोड़ा आगे होना चाहिए था, है ना? तो ये रिप्रेजेंटेशन की चीजें हैं, एज पर रिक्वायरमेंट आप लोग चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं करती हूँ स्पेस के साथ थोड़ा आगे करके लिख देती हूँ ताकि वो मोर रीडेबल हो जाए। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, लॉजिक ना समझ में आई हो कोई, व्हाट हाउ? नो मैम, समझ आ गई। आपको मतलब पहले वाले सिस्टम डॉट आउट से नहीं समझ आ गई या जो एंड पे मैंने स्क्वायर रूट ऐड किया उसकी नहीं समझ आई? एंड वाला मैम। ओके, हमने क्या कहा कि ये मैसेज प्रिंट कराना टोटल एकर्स इन आवर ट्रैक्ट इक्वल उस वेरिएबल की वैल्यू, इतना कर देते तो काफी था, उसको उसकी वैल्यू मिल जानी थी। लेकिन जैसे उसने सवाल में लिखा, जैसे पता है हम फिजिक्स में जब काम किया करते थे हम कहते थे आंसर के साथ ना उसका यूनिट मस्ट लिखना। तो अगर मैं चाहती हूँ कि उसका यूनिट भी साथ में प्रिंट हो तो अगेन वो कोई स्ट्रिंग ही है ना, तो मैंने एक स्ट्रिंग उसके साथ कंकैटिनेट कर दी। तो मैंने प्लस का साइन अगेन लगाया, अगेन डबल कोटेशन मार्क से स्ट्रिंग को शुरू किया और स्ट्रिंग के अंदर वो मैसेज लिख दिया जो मैं चाहती हूँ उस नंबर के बाद शो हो। ठीक है, तो मैं प्लस का साइन, मैंने कहा प्लस का साइन जो है वो डबल कोटेशन मार्क से दो नहीं लगते हैं, दो में इनक्लोज नहीं होता कंकैटिनेशन का जो साइन है वो दो डबल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज नहीं होता? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो है ना वो जस्ट इसलिए है कि इस तरफ कोई अलग चीज है और प्लस के दूसरी तरफ जो है वो अलग चीज है, जैसे ये वेरिएबल है और दूसरी तरफ स्ट्रिंग लिटरल है तो बीच में प्लस चाहिए। इसके अलावा वो वाली चीज नहीं है कि दोनों तरफ इक्वल लाइक डबल कोटेशन मस्ट हो, नेक्स्ट कोई वेरिएबल भी। मैं समझ रही हूं। और कोई क्वेश्चन? तो आपने इसको कंपाइल करके सक्सेसफुली रन करके इसका आउटपुट भी देख लिया, आई होप कि आप लोगों की तरफ भी इसका आउटपुट बिल्कुल ऐसा ही आ गया। तो ये टास्क हुआ कंप्लीट, नेक्स्ट टास्क के ऊपर मूव करते हैं। तो उसको मैं अलग से रिकॉर्ड कर लेती हूँ।